हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो ये सुबह की चाय बन रही है मेरी। देखो सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह कैसा नज़ारा है। ये सुबह देखो ऐसा नज़ारा है सुबह से, ये दिख रहे हैं। देखो आओ दिखाओ, ये दिख रहे हैं भाई। मैं तो बहुत दिन बाद दर्शन कर रही हूँ तो मैं तो करूँगी। दिख रहे हैं ना? और ये मेरी दीदी जाल खोलने के लिए आई है। इन्हें पता लग गई कि सूरज निकल आया तो ये जाल खोलने आ गई कि सबसे पहले कहीं मैं धूप ना ले लूँ। मेरी दीदी को भी धूप मिलनी चाहिए। जाल खोलने आई है, रात को ये ढक देती है, सुबह इसको निकाल देती है। जैसे ही मैंने बोला सूरज निकल आया तो सबसे पहले दौड़ के आई है। हाय, अब हम नीचे जाते हैं। मैं नहा चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है। ये मेरे छोटे से मंदिर की झलक देखो आप सब। मेरे ठाकुर जी से मिली है, मैं अपने ठाकुर जी से मिलवाती हूँ आपको। ये मेरे छोटे गोपाल जी हैं, ये मेरे बड़े गोपाल जी हैं, ये पार्वती जी, गणेश जी और शंकर जी बैठे हुए हैं, ये माता रानी है। तो बच्चे सो के उठ चुके हैं, मैं बिस्तर उठा के रख रही हूँ। इधर मैं रसोई में आ गई हूँ, बच्चों का दूध बना रही हूँ। तो मैं ये अपने बर्तन साफ कर लूँ, सफाई मेरी हो चुकी है, पोंछा रह गया। मैं चाय के बर्तन साफ कर रही हूँ। मैं तो ये देखो क्लीनिंग मेरी हो चुकी है रसोई की, पूरी रसोई मैंने साफ कर दिया है। अब चलते हैं रूम की सफाई करते हैं। ये मेरा भी दूध गर्म हो रहा है इसमें, ये देखो। अब चलते हैं कमरे की और सफाई करते हैं उसके बाद। और ये चीज ये देखिए, ये क्या बनाया आज हमने, आप मुझे बताना कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ये बाजरे की टिक्की हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। आप लोग देखो ऐसे कौन कौन जानता है इसके बारे में, किसने खाई थी ये मुझे ज़रूर बताना। अभी दूध नहीं निकल रहा है, मैं कह रही इसको गर्म करके ही जाऊँ वरना निकल जाएगा। मैं रूम में लग जाऊँगी तो ये निकल जाएगा। ये दूध मेरा गर्म हो गया, अब मैं चलती हूँ कमरे की सफाई करने के लिए। मैं ये बाहर का नज़ारा है, धूप आ रही है अंदर। ये देखिए ऐसा फैला हुआ पड़ा है मेरा रूम और मुझे ये करना है साफ। किधर से करूं, बच्चे तो खेलने चले गए नीचे। ये सफाई करती हूँ मैं इसकी। पीक टाइम कितना हो रहा है ये देखिए, 9:15 बज रहे हैं। चलो तो मैं अभी अपने काम पे लग जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। अंदर की झाड़ू मेरी हो चुकी है, अब मैं ये बाहर छत पे झाड़ू लगा रही हूँ, साफ कर रही हूँ। धूप निकल रही है, बाहर बैठते हैं हम लोग, अच्छा नहीं लगता है, गंदा। बच्चे भी खेलते हैं, सूरज की काफ़ी रोशनी आ रही है तो साफ दिखाई नहीं दे पा रहा होगा इसमें आप। झाड़ू पोंछा मेरा सब हो चुका है, अब मैं इधर खाना बना रही हूँ।
ये बच्चे धूप में बैठ के खेल रहे हैं आपस में, और ये मैं दिखा रही हूँ क्या कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है भाई, पतंग बेची जा रही है ये। दुकान लगा रखी है पतंग बेचने के लिए, क्यों भाई? पतंग लगा बेचने के लिए दुकान लगा रखी है तुम लोगों ने ना। कितने की बेच रहे हो, कौन खरीद रहा है, खरीद कौन लाए? लगाओ दुकान, उड़ाओगे पतंग है ना, कोई बात नहीं है, खेलो उड़ाओ। बच्चे पतंग उड़ाएंगे आपस में, हवा भी चल रही है आज, धूप भी निकल रही है। कितनी ले रहा है गोलू, दो? एक दो। मम्मी तो नहीं चिल्लाएगी फिर? कन्हैया को भी दे देना एक। ये है बच्चों का खेल, बच्चे खेलेंगे पतंग उड़ाएंगे। तो ये खाना मेरे बन के तैयार हो गया है, ये मैंने टिफिन भी लगा दिया। उनका लंच आज खेतों पे जाएगा, क्योंकि हमारे गेहूँ में पानी लग रहा है तो वो घर खाना खाने नहीं आएंगे, ये खेतों पे बच्चा देने जाएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुँचे, और शेयर भी करिए, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। आज के लिए बाय बाय।